तो भाई मैं अपने आसपास के ऐसे काफी सारे लोगों को नोटिस करता हूँ जो मार्केट से किसी भी तरह की टी शर्ट और शर्ट को खरीद लेते हैं और उन्हें अपनी नॉर्मल पैंट के साथ पहन लेते हैं। और सबसे ज्यादा अजीब तो वो तब लगते हैं जब वो उनके साथ कुछ इस तरह के स्पोर्ट शूज पहन लेते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो या आपको अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना है तो आज मैं आपको 7 ऐसे बेसिक और मस्ट हैव फैशन आइटम्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप बहुत सारे आउटफिट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो की मैं आपको वीडियो में भी बनाकर दिखाऊंगा, जिनमें आप पहले के कम्पेरेटिवली कहीं ज्यादा स्टाइलिश लगोगे दिखने में। और इसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ इजीली मैच कर सकोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं उन 7 बेसिक फैशन आइटम्स के बारे में जो कि आपके अलमारी में हमेशा होने चाहिए। तो पहला फैशन आइटम जो कि आपके पास होना चाहिए, जिसे आप बहुत सारे आउटफिट्स के अंदर यूज कर सकते हो, वो है व्हाइट और ब्लैक कलर की क्रू नेक टी-शर्ट। अगर आपके अलमारी के अंदर इन दोनों टी शर्ट्स को छोड़कर सभी तरह के कपड़े हैं तो भाई इन दोनों टी शर्ट्स के बिना आपका वार्डरोब कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों टी शर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके वार्डरोब को कंप्लीट करने में। इसीलिए आपके पास कोई कपड़ा हो या ना हो, बट आपके पास प्लेन ब्लैक और व्हाइट कलर की क्रू नेक टी शर्ट हमेशा होनी चाहिए, जिनकी मदद से आप काफी सारे आउटफिट कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। और वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप इन दोनों टी शर्ट्स को खरीदना चाहते हो तो आपको इनका परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें जाकर खरीद सकते। दूसरा फैशन आइटम जो कि आपके पास हमेशा होना चाहिए वो है एक चेक शर्ट। भाई अगर आप कॉलेज जाते हो या आपको कहीं घूमने वगैरह जाना है तो एक चेक शर्ट आपके पास जरूर से होनी चाहिए, जिसे आप अपनी ब्लैक या व्हाइट टी शर्ट के ऊपर लेयर करके मल्टीपल आउटफिट्स बना सकते हो, जिनमें आप बाकी लड़कों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टाइलिश और कूल लगोगे दिखने में। वैसे तो चेक शर्ट कुछ इस तरह के स्मॉल चेक्स में भी आती है, बट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप कुछ इस तरह के बड़े चेक्स वाली शर्ट्स को खरीदो, जो कि स्मॉल चेक्स वाली शर्ट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी लगती है। मैं आपको कुछ ऐसे ही चेक शर्ट्स का परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तीसरा आइटम जो कि आपके पास होना ही चाहिए वो है एक बिना पॉकेट वाली प्लेन ब्लैक शर्ट। भाई ये तो आपको पता ही है कि ब्लैक कलर के कपड़े कितने ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं हमारे ऊपर। अगर आपके पास एक ब्लैक शर्ट पहले से ही है तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास एक ब्लैक शर्ट नहीं है तो भाई आप उसे जरूर से ऐड करो अपनी अलमारी के अंदर, क्योंकि ब्लैक शर्ट के इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक जेड ब्लैक शर्ट बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होती है, जिसे आप कैजुअली अपने कॉलेज में भी पहन कर जा सकते हो और फॉर्मली आप इसे अपने ऑफिस वगैरह के अंदर भी पहन सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो या किसी नाइट पार्टी में जा रहे हो तो एक ब्लैक शर्ट को पहनकर आप उस फंक्शन के अंदर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। चौथा आइटम जो हर बंदे के पास हमेशा होना चाहिए वो है कुछ इस तरह की लाइट ब्लू जीन्स। भाई वैसे तो फिलहाल बैगी जीन्स का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बट भाई ट्रेंड्स का कोई भरोसा नहीं होता, ट्रेंड्स आते और जाते रहते हैं। अगर आप अपने वार्डरोब के अंदर एक ऐसी जीन्स को ऐड करना चाहते हो जिसे आप किसी भी जगह पहनकर जा सको, तो आपके लिए एक लाइट वॉश ब्लू जीन्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगी स्टाइल करने के लिए, जो कि स्लिम फिट शेप में होनी चाहिए, जो कि बहुत वर्सेटाइल होती है, जिसे आप काफी सारे कलर के अपर वेयर्स के साथ मैच करके पहन सकते हो। इस जीन्स के साथ कुछ बेस्ट आउटफिट कॉम्बिनेशंस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पांचवा और सबसे वर्सेटाइल आइटम जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड आउटफिट्स बना सकते हो वो है ब्लैक कलर की चीनो पैंट। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं जिसमें आप सिर्फ एक ही पैंट को अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसा एक ब्लैक कलर की चीनो पैंट में इन्वेस्ट करो, जिसे आप आंख बंद करके किसी भी टी शर्ट शॉर्ट और जैकेट वगैरह के साथ मैच करके पहन सकते हो। और चीनोस गर्मियों के लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, जिनमें आपको बाकी सभी पैंट्स के कंपैरेटिवली काफी कम गर्मी लगती है। छठा आइटम जिसके साथ भी आप बहुत सारे आउटफिट कॉम्बिनेशंस बना सकते हो वो है ग्रे कलर की चीनो पैंट। अगर आपके पास ब्लैक कलर की चीनो पैंट पहले से ही है तो आप एक ग्रे कलर की चीनो पैंट को भी ऐड कर सकते हो अपनी अलमारी में। ये भी ब्लैक चीनो पैंट की तरह बहुत वर्सेटाइल होती है, जिसे आप कैजुअल से लेके फॉर्मल तक किसी भी ओकेजन के हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। तो भाई सातवां और लास्ट आइटम जो कि आपके पास हर सिचुएशन में होना चाहिए वो है प्लेन व्हाइट स्नीकर्स। भाई अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो ये चीज आपको पता ही होगी कि मैं व्हाइट स्नीकर्स का कितना बड़ा फैन हूं, क्योंकि भाई दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जूता होगा जो वर्सेटाइलिटी के मामले में व्हाइट स्नीकर्स को बीट कर सके। इसे आप बिना सोचे समझे किसी भी आउटफिट के साथ इजीली पहन सकते हो। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके व्हाइट स्नीकर्स बिल्कुल प्लेन होने चाहिए, उन पर किसी भी तरह का लोगो वगैरह ना बना हो। इसके अलावा अगर आप किसी की शादी या पार्टी में जा रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप कुछ इस तरह के पैनी या टैसल लोफर्स को पहनो अपने आउटफिट के साथ, जो कि ब्लैक कलर में हो। ये आपको काफी अट्रैक्टिव दिखाएंगे शादी और पार्टीज जैसे स्पेशल फंक्शन के अंदर। तो भाई फाइनली अब बात करते हैं कि आप इन सभी आइटम्स को यूज करके कौन कौन से आउटफिट कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो पहले आउटफिट में आपको अपनी लाइट ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक या व्हाइट कलर की क्रू नेक टी शर्ट पहननी है, जिसके साथ आप फुटवेयर में अपने व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो। इस आउटफिट में अगर आप व्हाइट टी शर्ट के ऊपर अपनी चेक शर्ट को लेयरिंग करके पहन लोगे तो इससे आपका एक और आउटफिट बन जाएगा, जिसे आप अपने कॉलेज में या कहीं घूमने जाते टाइम पहन सकते हो। दूसरे आउटफिट में आपको अपनी लाइट ब्लू जीन्स के साथ अपनी ब्लैक शर्ट पहननी है, जिसके साथ आप फुटवेयर में अपने व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो। इस आउटफिट को भी आप अपने कॉलेज में या किसी कैजुअल पार्टी में पहनकर जा सकते हो। अगर आपको लाइट ब्लू
जीन्स के साथ और भी आउटफिट आइडियाज चाहिए तो वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरे आउटफिट में आपको अपनी ब्लैक चिनो पैंट के साथ व्हाइट या ब्लैक कलर की टी शर्ट पहननी है और उसके ऊपर आपको अपनी चेक शर्ट को लेयर करके पहनना है। और फुटवेयर में आप अपने वही प्लेन व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो। यह आउटफिट भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगा अगर आप कॉलेज जाते हो या आपको कहीं घूमने जाना है। चौथे आउटफिट कॉम्बिनेशन में आप ब्लैक चिनो के साथ अपनी ब्लैक शॉर्ट पहन सकते हो और फुटवेयर में आप अपने व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो। ये भी एक कैजुअल आउटफिट है जिसे आप किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में पहनकर जा सकते हो। इस आउटफिट में अगर आप अपने व्हाइट स्नीकर्स को ब्लैक लोफर से रिप्लेस कर दोगे तो इस आउटफिट को आप किसी की शादी या रिसेप्शन पार्टी में भी पहनकर जा सकते हो। अगर आपको ब्लैक शर्ट के बदले किसी और कलर की शर्ट ट्राई करनी है तो आप अपनी शर्ट में बोटल ग्रीन, वाइन रेड और नेवी ब्लू कलर को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ब्लैक चिनो पैंट के साथ और भी आउटफिट आइडियाज चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पर दी गई फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवे आउटफिट कॉम्बिनेशन में आपको ग्रे चिनो पैंट के साथ व्हाइट टी शर्ट पहननी है जिसके ऊपर आपको अपनी चेक शर्ट को लेयर करना है। और रही बात फुटवेयर की तो आप इस आउटफिट में अपने व्हाइट स्नीकर्स को पहन सकते हो। छठे आउटफिट में आपको ग्रे चिनो पैंट के साथ अपनी ब्लैक शर्ट पहननी है जिसके साथ फुटवेयर में आप ब्लैक कलर के लोफर्स पहन सकते हो। यह आउटफिट सबसे बेस्ट होगा शादी और पार्टीज जैसे स्पेशल फंक्शन के लिए। अगर ग्रे चिनो पैंट के साथ कुछ और आउटफिट कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ मैच करके एक आउटफिट बना सकते हो। तो आपको बेसिकली ये करना है कि जो भी आपके पास टी शर्ट, शॉर्ट या पैंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट आउटफिट कॉम्बिनेशन गूगल या पिंटरेस्ट पर सर्च करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास एक मरून कलर की शर्ट है तो आपको सिंपली सर्च करना है मरून शर्ट कॉम्बिनेशंस फॉर मेन, जिसके बाद आपको मरून शर्ट के साथ बहुत सारे आउटफिट कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके पास जो भी टी शर्ट, शॉर्ट या पैंट है उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट आउटफिट कॉम्बिनेशन सर्च कर सकते हो गूगल या पिंटरेस्ट पर। तो भाई यह है मेरी आउटफिट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ रेकमेंडेशंस जिनकी मदद से आप अपने कपड़ों को इजीली स्टाइल कर सकते हो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मैं आपको अपनी ये दो वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा, आप इनको एक बार जरूर से देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।